अगर आपके पास भी गिटहब का एस2 डेवलपर पैक है तो आप भी ले सकते हो ब्राउजर स्टैक एंड लैम्डा टेस्ट का फ्री ट्रायल अकाउंट। अगर आपको नहीं पता है कि लैम्डा टेस्ट एंड ब्राउजर स्टैक क्या है तो आइए पहले इसे समझते हैं। अगर आपको वेबसाइट या फिर ऐप डेवलप कर रहे हो और आपको उसे टेस्ट करना है पब्लिक करने से पहले कि आपका वेबसाइट या फिर आपका ऐप अलग अलग डिवाइस में किस तरीके से आपका वर्क करते हैं, लाइक अगर आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना रहे हो तो आपको अगर टेस्ट करना है कि आपका एप्लीकेशन सैमसंग का डिवाइस में, ओप्पो का डिवाइस में, वीवो का डिवाइस में, रियलमी का डिवाइस में या फिर अलग अलग कंपनी के जितने भी डिवाइस हैं, हमारा एप्लीकेशन इन डिवाइस में किस तरीके से वर्क करते हैं, तो आप इन दोनों प्लेटफॉर्म की मदद से ये टेस्ट कर सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन इन सब डिवाइस में किस तरीके से वर्क करेंगे और इसमें क्या बग है, फिर आप उसको फिक्स करके एप्लीकेशन को रिलीज़ कर सकते हो। तो यही चीज़ ये दोनों प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। आपको यहाँ पर मिल जाएंगे पूरे 4 तरह का डिवाइस, आपका एक होगा विंडोज़, iOS, एंड्रॉयड और लिनक्स। इसके बाद इसी तरीके से ब्राउज़र स्टैक में भी आपको अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ डिवाइस मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं आप इसे किस तरीके से फ्री में क्लेम कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि गिटहब का एस2 डेवलपर किस तरीके से लिया जाता है तो मैं इस वीडियो में अच्छे से बता चुका हूँ किस तरीके से आपको गिटहब का एस2 डेवलपर लेना है। तो चलिए हम इसे क्लेम करते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरीके से आपको ये एक्सेस मिलेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी ब्राउज़र में जाकर सर्च करेंगे गिटहब एस2 डेवलपर पैक, बिल्कुल कुछ इस तरीके से। तो आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरीके से पेज आ जाएंगे, आप यहाँ पर क्लिक करोगे, देन आप यहाँ पर क्लिक करोगे साइन इन, गिटहब का अकाउंट यहाँ पर साइन इन कर लेना है। फिर करेंगे हम नीचे स्क्रॉल कुछ इस तरीके से और यहाँ पर क्लिक करेंगे एक्सप्लोर मोर ऑफर्स। यहाँ पर आने के बाद आपको सिंपली नीचे स्क्रॉल करना है कुछ इस तरीके से और आपको फाइंड करना है कहाँ पर ब्राउज़र स्टैक और लैम्डा टेस्ट है। फिर आप उस लिंक की मदद से एक्सेस कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे कि यहाँ पर हमारे सामने आ चुका है ब्राउज़र स्टैक और इसके बाद थोड़ा और करेंगे नीचे स्क्रॉल कुछ इस तरीके से करते जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा लैम्डा टेस्ट। तो पहले सीखते हैं ब्राउज़र स्टैक किस तरीके से हम क्लेम करेंगे, फिर सीखेंगे हम लैम्डा टेस्ट के बारे में। इसका फ्री ट्रायल एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे इस लिंक में। इसके बाद कुछ इस तरीके से आप इस पेज में आ जाओगे और आप यहाँ पर क्लिक करोगे साइन अप विद गिटहब। इसके बाद यहाँ पर इसे ऑथोराइज दोगे तो आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरीके से ब्राउज़र स्टैक का डैशबोर्ड आ जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है कि आपको यहाँ पर क्या टेस्ट करना है, वेबसाइट टेस्ट करना है या फिर एप्लीकेशन टेस्ट करना है। हालांकि जब आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम इसका डैशबोर्ड में आओगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक वेबसाइट टेस्ट में सेलेक्ट रहेगा। तो पहले सीखते हैं वेबसाइट के बारे में, फिर सीखेंगे हम ऐप के बारे में। यहाँ पर हमें सेलेक्ट कर लेना है वेबसाइट टेस्ट। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने ये 4 तरह का आ जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला क्या है iOS, फिर एंड्रॉयड, विंडोज़ और यहाँ पर मैक। अगर आपको iOS डिवाइस में चेक करना है तो इसमें क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरीके से iOS डिवाइस आ जाएंगे। iOS डिवाइस का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, 16 वाला वर्ज़न, और यहाँ पर आपको 16 वाला वर्ज़न में ये सारे वर्ज़न आपको मिल जाएंगे। iPhone 16 जो रिसेंटली रिलीज़ हुआ है, इसी तरीके से iPhone का 16 Pro Max ये भी आपको मिल जाएगा। अगर आपको चेक करना है विद सिम, यानी कि आपके डिवाइस में सिम कार्ड होगा, तो सिम कार्ड वाला डिवाइस यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपके सामने आ जाएंगे। इसके बाद अगर आपको चेक करना है एंड्रॉयड डिवाइस में तो यहाँ पर क्लिक करोगे, फिर यहाँ पर सेलेक्ट कर लोगे कि आपको सिम के साथ अपना वेबसाइट को टेस्ट करना है या फिर विदाउट सिम। यहाँ पर आपको मिल जाएंगे सैमसंग का डिवाइस, गूगल पिक्सल, वन प्लस, मोटरोला, शाओमी, वीवो, ओप्पो, हुआई, रियलमी, ये सारे आपको डिवाइस मिल जाएंगे। ये जितने भी कंपनी का डिवाइस है एंड्रॉयड डिवाइस, आपका वेबसाइट इन डिवाइस में किस तरीके से चलते हैं तो आप यहाँ से काफ़ी आसानी से देख सकते हैं। अगर आपके वेबसाइट में डिवाइस के हिसाब से उसके अंदर कोई बग रहा तो आप उसे आसानी से फिक्स कर सकते हैं। डिवाइस में क्यों, यहाँ पर इतने सारे डिवाइस क्यों है अलग अलग कंपनी का, क्योंकि अलग अलग कंपनी का मोबाइल में अलग अलग UI होते हैं, उनका UI एक्सपीरियंस डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट UI होने की वजह से आपका वेबसाइट डिफरेंट डिफरेंट कंपनी का मोबाइल में डिफरेंट तरीके से उसके अंदर कुछ बग आ सकते हैं। फिर इसके बाद अगर आपको चेक करना है विंडोज़ मशीन में तो यहाँ पर क्लिक करोगे और कुछ इस तरीके से आपको विंडोज़ मशीन में जितने भी ज़्यादातर लोग जो ब्राउज़र इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर वो सारे ब्राउज़र आ जाएंगे। आपको किस में चेक करना है, विंडोज़ 11, विंडोज़ 10 और विंडोज़ का सबसे पुराना वर्ज़न जो है ये भी आपको मिल जाएगा। फिर कुछ इस तरीके से आपके सामने मैक का बहुत सारे OS आ जाएंगे, आपको किस OS में अपना वेबसाइट टेस्ट करना है। मैं यहाँ पर चूज़ करता हूँ सिकोया और यहाँ पर लेते हैं हम क्रोम, इसको चूज़ करते हैं।
मैं आपको दिखाता हूँ एक डेमो किस तरीके से आपको चूज़ करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरीके से क्रम खुल जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर अपना वेबसाइट का नेम टाइप कर रहा हूँ तो कुछ इस तरीके से हमारा वेबसाइट यहाँ पर खुल जाएगा। अब हम अच्छे से पता कर सकते हैं अलग अलग डिवाइस में हमारा वेबसाइट किस तरीके से शो होते हैं। इसके बाद अगर आपको चेंज करना है लोकेशन, जैसे कि ये यूएसए का लोकेशन बहुत सारा है, इंडिया का है, आपको किस लोकेशन में चेक करना है उस हिसाब से आपको यहाँ पर लोकेशन मिल जाएंगे। एग्जाम्पली मुझे इंडिया का डिवाइस में चेक करना है तो मैं यहाँ पर सर्च कर लूँगा इंडिया, देन यहाँ पर क्लिक करेंगे यस। इसके बाद यहाँ पर होगा ये अपडेटिंग, फिर अपडेट होकर यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ जाएंगे। इसके बाद इसे करते हैं स्टॉप। अब देखते हैं एंड्रॉयड ऐप के लिए, यहाँ पर क्लिक करोगे, फिर यहाँ पर आने के बाद हमें यहाँ पर क्लिक करना है ऐप टेस्टिंग और यहाँ पर क्लिक करेंगे ऐप लाइव। इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करोगे गेट स्टार्टेड, फिर इसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है गो टू डैशबोर्ड और आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरीके से एंड्रॉयड का रियल डिवाइस आ जाएंगे। या फिर अगर आपको चेक करना है iOS एप्लीकेशन तो आप यहाँ पर क्लिक कर लोगे iOS में, iOS का रियल डिवाइस आ जाएंगे। आपके सामने यहाँ पर बहुत सारे फीचर भी हैं, आप यहाँ पर डायरेक्ट अपना एप्लीकेशन को अपलोड कर सकते हैं या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इनमें से जिस भी प्लेटफॉर्म में आपका एप्लीकेशन पब्लिश है वहाँ से आप इंस्टॉल करके इस डिवाइस में टेस्ट कर सकते हैं किस तरीके से आपका एप्लीकेशन इन डिवाइस में चलते हैं, उसके अंदर क्या बग्स हैं, फिर आप उसे देखकर फिक्स कर सकते हैं। इसके बाद अब सीखते हैं हम लैम्डा टेस्ट करेंगे, नीचे स्क्रॉल कुछ इस तरीके से करते जाएंगे और यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ जाएगा लैम्डा टेस्ट। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे साइन अप विद गिटहब और यहाँ पर इसे देंगे ऑथराइज, तो कुछ इस तरीके से आप भी लैम्डा टेस्ट का कंसोल पेज में आ जाएंगे। फिर यहाँ पर आने के बाद आपको सेलेक्ट करना है कि आपको डेस्कटॉप में टेस्ट करना है या फिर मोबाइल में। मोबाइल में आपको मिल जाएंगे दो वर्ज़न, एक एंड्रॉइड और एक iOS। वहीं आपको मिल जाएंगे डेस्कटॉप में विंडोज़ 11, विंडोज़ 10 और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे मैक वर्ज़न, और भी करेंगे नीचे स्क्रॉल सबसे नीचे मिल जाएगा आपको मैक OS का पुराना वर्ज़न जिस तरीके से यहाँ पर विंडोज़ का है, विंडोज़ 11, विंडोज़ 10, विंडोज़ 8.1, विंडोज़ 8, विंडोज़ 7, इसी तरीके से यहाँ पर मैक OS का लेटेस्ट वर्ज़न है कौन सा, वेंचूरा। हालांकि सिकोया आ चुका है, यहाँ पर अभी लिस्ट नहीं हुआ है। तो चलिए हम फिलहाल अभी आपको डेमो दिखाते हैं किस तरीके से आपको टेस्ट करना है। यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं विंडोज़ 11, देन यहाँ पर लेते हैं क्रोम का लेटेस्ट वर्जन जो यहाँ पर अवेलेबल है। फिर यहाँ पर आपको अपना वेबसाइट का लिंक डालना है। एग्जाम्पली मैं यहाँ पर अपना वेबसाइट का लिंक उठाता हूँ, बिल्कुल कुछ इस तरीके से इसे कर लेते हैं हम कॉपी, फिर यहाँ पर आकर इसे कर देंगे हम पेस्ट, फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे कैप्चर में, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपका वेबसाइट कैप्चर होगा, उसका स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएगा किस तरीके से यहाँ पर आपका वेबसाइट वर्क होते हैं। हालांकि इसे हम अच्छे समझेंगे आने वाले वीडियोस में जब हम अपना वेबसाइट खुद का टेस्ट करेंगे बनाने के बाद किस तरीके से हमारा वेबसाइट रन होते हैं और उसमें ट्राफिक कैसे डाला जाता है इन वेबसाइट की मदद से, वो भी सीखेंगे हम आने वाले वीडियोज़ में। हालाँकि इस प्रोसेस में काफ़ी टाइम लगेगा, फ़िलहाल मुझे भी अभी इतना अच्छे से समझ में नहीं आया है किस तरीके से इसे यूज़ करना है। इसे पहले हम अपने वेबसाइट को टेस्ट करके सीखेंगे किस तरीके से आपको यूज़ करना है, और आपको लाइव दिखाएंगे टेस्ट करके अपना वेबसाइट किस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस को कंप्लीट करना है। यहाँ पर हमारा स्क्रीनशॉट हो चुका है जनरेट, यहाँ पर क्लिक करेंगे डाउनलोड में तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएंगे डाउनलोड, इसे करते हैं ओपन, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमारे वेबसाइट का फ्रंट पेज यहाँ पर आ चुका है। बस इतना ही मिला लैम्डा टेस्ट में। हालांकि आपको ब्राउज़र स्टैक में डायरेक्ट डिवाइस ओपन करके टेस्ट कर सकते हैं किस तरीके से आपका वेबसाइट रन हो रहे हैं, यानी कि आपको लाइव देखने को मिलेगा। तो फिलहाल अभी इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं, आने वाले वीडियोज़ में हम सीखेंगे अच्छे से किस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करके अपना वेबसाइट को टेस्ट करेंगे। फिलहाल ये स्पेशली फ्री ट्रायल एक्सेस करने का वीडियो है और कुछ डेमो है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।